निश्चित तौर पर राजीव जी, खलबली तो शुरू हो गई है और जिस तरीके से हमारा जो कॉरपोरेट मीडिया है वो मोदी मोदी कर रहा है, उससे तो ये साफ मालूम पड़ता है कि मोदी जी के ऊपर दबाव बहुत भारी पड़ गया है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद अब मोदी जी के ऊपर दबाव है बहुत ज्यादा कि उनको अपने को साबित करना है हाउडी मोदी जैसा, जैसा वो करके आए थे कि वैसा ही उनका जो है वो अभी तक जलवा कायम है और राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ये साबित करने का बहुत बड़ा दबाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। मुझे लगता है कि पिछली जितनी भी यात्राएं प्रधानमंत्री की रही है तमाम देशों की, उनपे जितना खर्चा हुआ होगा उसका कई गुना ज्यादा खर्चा जो है प्रधानमंत्री की इस यात्रा पे होगा। हालांकि ये उनकी राजकीय यात्रा है, मतलब जो बाइडेन और मिसेस जिल बाइडेन जो है उनकी निमंत्रण पे है, लेकिन खर्चा जो मोदी मोदी कराने के लिए अमेरिका में किया जाना है वो बहुत ज्यादा होगा इस बार जो है। अच्छी बात है कि सब मंदी का समय चल रहा है तो अब कुछ लोगों के पैसे भी बने, लेकिन सवाल ये कि उससे भारतीय व्यापारियों को फायदा नहीं होगा जो वहां मोदी मोदी करने के लिए इकट्ठा किए जाएंगे, तो वहां अमेरिका की इकोनॉमी को ही उससे थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा जो वहां खर्चा किया जाएगा। ये खर्चा अगर यहाँ होता मोदी मोदी कराने के लिए तो कुछ भारत की इकोनॉमी को भी कुछ फायदा होता तो अच्छी बात होती, लेकिन चूंकि वो अमेरिका जा रहे हैं उनके मित्र जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वहां पहले ही नारा लगा चुके हैं अमेरिका फर्स्ट, तो मोदी जी अमेरिका फर्स्ट करने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी के लिए कभी भारत फर्स्ट रहा नहीं, इंडिया फर्स्ट रहा नहीं कभी भी, उनके लिए तो उनकी दोस्ती फर्स्ट रही वहां जाके। हाउ जी मोदी करे आए, हाउ जी इंडिया तो किया नहीं उन्होंने वहां जाकर के किसी भी तरीके से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत को दांव पे लगा करके और वहां जो है वो अब गए हैं अपना स्वागत सत्कार कराने के लिए, अब देखना यह है कि उनके जो मित्र दूसरे हैं वो वहां क्या करते हैं, जो उनके असली मित्र हैं जिनके लिए उन्होंने हाउ जी मोदी मोदी किया था। तो अब ये राजीव जी उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट तो निश्चित तौर पर है प्रधानमंत्री के ऊपर, और उनके चेहरे पे जो भाव है इस चिंता के वो साफ पढ़े जा सकते हैं प्रधानमंत्री के, मतलब जो उनके विजुअल्स आ रहे हैं और जो क्लोज विजुअल्स आ रहे हैं उनसे साफ लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो है इस समय बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में इस समय महसूस हो रही है। अब जिस तरीके से ऐसे अगर विजुअल देखे होंगे आज जब प्रधानमंत्री जा रहे थे और हमेशा उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन बहुत दुखी मन से वो आज बाय बाय कर रहे थे, बहुत दुखी मन से जा रहे थे। ये समझ में नहीं आया कि हमेशा हंसमिजाज खुशमिजाज जो रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो आज दुखी मन से क्यों जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे थे तो बहुत शायद उनको ये पीड़ा, ये बेचैनी उनके अंदर भी होगी कि पता नहीं वहाँ क्या क्या किन किन विरोधों का सामना करना पड़ेगा। और उन विरोध की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी ठीक इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू आप देखेंगे, जो लोग विरोध करने वाले हैं उनमें से एक, उनका इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी अभी थोड़ी देर बाद वो लाइव आप देखेंगे ठीक इस कार्यक्रम के बाद, कि कौन लोग विरोध करने जा रहे हैं, क्यों विरोध करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक इस कार्यक्रम के बाद आप देखिए। लेकिन आना चाहता हूं फिर से अमलेंदु जी आपके पास, कि प्रधानमंत्री निराश हताश दिखाई दे रहे थे जब वो प्लेन में चढ़ रहे थे। तो देखिए राजीव जी, दो हताशा और निराशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ी जा सकती है। एक तो अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका में क्या होगा ये दुखी लगी हुई है। अब वहाँ जो है वो जो बाइडेन जो है वो छतरी लेकर के हवाई जहाज के अंदर रिसीव करने आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी है, हो सकता है कुछ इंतजाम कराए गए हो कि भाई कुछ ऐसा कर दो, जहाँ प्रधानमंत्री का जो है वो बहुत टेम्पो गिरा हुआ है भारत में तो कुछ इंतजाम किए जाए। तो अब देखना है कि वो जो मैनेजर्स हैं प्रधानमंत्री के वो कितना कुछ करते हैं। दूसरा राजीव जी, जो दुख और निराशा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो ये है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में एकदम बिल्कुल असफल साबित हुए हैं, तो अब वो छिपाए नहीं छिप पा रही है मणिपुर की असफलता जो है। मुझे लगता है कि उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं और सवाल देश के अंदर भी उठ रहे हैं और देश के बाहर भी उठ रहे हैं कि जब आपका एक राज्य जो है जहां वायदा करके आए थे कि आप उसको प्राथमिकता देंगे वो 45 दिनों से जल रहा है, आपके केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जा रहा है, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के घर जलाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला हो रहा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर की चिंता ना करके अगर अमेरिका में जो है वो मोदी मोदी कराने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर भी बदनामी हो रही है और देश के बाहर भी बदनामी हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो भाव है ये प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ पढ़ा जा सकता है कि किस तरीके से इस बदनामी से छुटकारा पाया जाए। मुझे लगता है कि अब जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसको कुछ टास्क दिया गया होगा कि ये दाग धब्बे जो है इनको किस तरीके से साफ किया जाना है, किस तरीके से इस पर जो है वो रोगन मत पॉलिश सब किया जाना है, ये सब चीजें हैं। तो वो दबाव तो साफ तौर पर राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। इधर दबाव जो दूसरा एक और है वो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, अब कल सुना जाता है कि वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा का जो है वहां जाकर के योग भी करेंगे वहां जाकर के।
अब अनुलोम विलोम करेंगे कि शीर्षासन करेंगे, ये देखना होगा। पंडित नेहरू की तो जो है वो बहुत चित्र वायरल होते हैं शीर्षासन करते हुए, कि पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है जिन्होंने दावा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाया है और योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलवाई है, वो शीर्षासन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कौन सा वहां करते हैं। अब दंडवत प्रणाम तो सेंगोल को ठीक से हुआ नहीं था, उसमें दोष थे बहुत ज्यादा, तो वो भी सब वायरल हो रहा है। मतलब यही कुल मिला के जो भी आप काम करें उसमें आपको पूर्णतः निपुण होना चाहिए, फिर आप चाहे वो दंडवत प्रणाम करें और चाहे आप योगासन करें, जो भी आप करें उसमें आपको निपुण होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि वहां से जो तस्वीरें आती हैं योगाभ्यास की प्रधानमंत्री की, वो किस तरीके से और कौन सा नया योग जो है वो प्रधानमंत्री वहां ईजाद करते हैं कि ये जो है नया नरेंद्र मोदी आसन है जो प्रधानमंत्री वहां कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। इधर जो है उल्टा आसन जो है प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को पूरी को जो है वो शीर्षासन कराने की तैयारी विपक्ष कर रहा है यहाँ 23 जून की बैठक के जरिए कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शीर्षासन कराया जाए। तो अब जो है वो सुनील शुक्ला जी बताई गए हैं कि वो जो अनुराग ठाकुर साहब बोल रहे थे कि वो पुल पे जाकर के सवाल किया जाए, तो पुल पे तो सवाल होंगे निश्चित तौर पे। उसी पुल का ठेका जो है वो गुजरात में भी है और गुजरात की कंपनी है, प्रधानमंत्री ने ही जाकर के उसका शिलान्यास किया था उस पुल का। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए सीबीआई से कि ठेका दिया किसने था। अनुराग ठाकुर साहब केंद्र में मौजूद है, सीबीआई जांच करवाई उसकी पुल की किसने दिया गया था, लेकिन वो जांच नहीं होगी किसी भी हाल में, क्योंकि जांच अगर हो जाएगी तो सीबीआई को वो दबाव आ जाएगा फिर कि किस तरीके से जांच होनी है। अब वो सब चीजें हैं, बहरहाल चूंकि राजनीति है और जनता की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होती है, ऐसा राजनेता मानते हैं। अब होती या नहीं होती वो अलग का मसला है, लेकिन राजनेता ऐसा मानते हैं कि चूंकि जनता की याददाश्त कमजोर होती है तो कुछ भी बोल के बोला जा सकता है। मन की बातें तो कर रही है, तो मन की बातें की जा रही है, तो अब मन की बात करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को थोड़ी, उनके बाकी मंत्रियों को भी है, तो बाकी मंत्री भी कर रहे हैं और जो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं वो भी मन की बात कर रहे हैं, और मन की बात में लिट्टी चोखा भी कर रहे हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी। अब पता नहीं दिल्ली में आकर के वो कितना लिट्टी चोखा खाते या नहीं खाते हैं, और यहाँ कैसे जो कि गोबर का इंतजाम करते हैं लिट्टी को भूनने के लिए, अब ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी प्रधानमंत्री के ऊपर संकट निश्चित तौर पर है, उनकी छवि के ऊपर सबसे बड़ा संकट है, और जो जिस तरीके से कर्नाटक में डेंट लगा है और जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे साफ लग रहा है कि डेंट लगना है, और विपक्षी एकता अगर मजबूत हो जाती है, मैं कहता हूँ कि 4-5 राज्यों में ही, नए राज्यों में भी अगर विपक्षी एकता हो जाती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में 100% सफलता पाई थी, अब वहां सीटें तो बढ़ने वाली नहीं है भाई। गुजरात में सीटें आप कहां बनाएंगे, पाकिस्तान से देके थोड़ी आ जाएंगे आप गुजरात में सीटें, सबकी सब आपके पास थी। राजस्थान में सारी की सारी आपके पास थी, मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ के सारी की सारी आपके पास थी, तो अब यहां सीटें पाकिस्तान से लाके नहीं बढ़ेंगी किसी तरीके से। तो अब दिक्कत यह है कि सीटें बढ़ेंगी कहां से, सब जगह से कम होने की आसान है, तो विपक्षी एकता जो होती है उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी, सरकार तो खतरे में होगी होगी। बाकी गिरती है किसी सरकार नहीं गिनती है, किसकी बनती है वो अलग का मसला है, उसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हमको भविष्य में इतना है। एक एनालिसिस अपना पत्रकार होने के नाते करते हैं, पत्रकार होने के नाते ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है, और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो है वो प्रधानमंत्री के माथे पर पड़ रही परेशानी से समझी जा सकती है।